आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको एक डेसिमल नंबर दिया है जो 13.5 है और उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस नंबर को 13.5 को पॉइंट के लेफ्ट साइड और पॉइंट के राइट साइड अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो जो नंबर पॉइंट के लेफ्ट साइड है, जो 13 है, इसको हम कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमको एंड रिजल्ट में 0 ना मिल जाए। तो अभी हम 13 को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आप इसको तब तक डिवाइड करिए जब तक आपको इन रिजल्ट 0 ना मिल जाए और जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको राइट हैंड साइड पे लिखें। तो 2 को हम 13 से डिवाइड किए, 6 आया और रिमाइंडर 1 बचा। फिर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, रिमाइंडर 0 बचा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमने देखा कि जो रिमाइंडर बचा 1 0 1 1, तो ये हमारे 13 के लिए हो गए। और तो आप याद रखिए जो टॉप पे है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जिसे हम LSB बोलते हैं, और जो बॉटम पे है वो है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको हम जब लिखेंगे हम वो लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो बाइनरी नंबर 13 के करस्पॉन्डिंग हो गया वो हो गया 1 1 0 1। अभी हमारे पास ये बाइनरी नंबर जो है 13 के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये जो 13 था इसके करस्पॉन्डिंग ये बाइनरी नंबर हो। अभी हमारे पास 0.5 है तो 0.5 को भी हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल के इस राइट साइड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के राइट साइड नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा रिज़ल्ट 1 ना आ जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट जब 1 आएगा तो हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 0.5 दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हमको पहले पता है पहले स्टेप में क्या हुआ, 1 आ गया। तो मतलब पॉइंट के बाद जो इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा, बाइनरी टर्म आएगा, वो 1 आएगा। तो हमारा जो ओवरऑल बाइनरी नंबर मिलेगा, ये जो हमको मिला है ये पॉइंट के लेफ्ट साइड मिला और ये मिला पॉइंट के राइट साइड। तो हम क्या कैसे इसको लिखेंगे, 1 1 0 1.1। ये हमारा करेस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसके, 13.5 के। मतलब 13.5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 1 0 1.1 है। आप एक बार फिर से याद रखिए कैसे करते हैं, पॉइंट है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा इन रिज़ल्ट 0 हो जाए, और डिवाइड करते समय जो हमको रिमाइंडर मिलेगा हम उसको राइट साइड लिखते जाएंगे। और पॉइंट के पॉइंट के राइट साइड के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिज़ल्ट 1 आ जाए। तो हमने एक ही बार में मल्टीप्लाई किया तो इसमें 1 आया, तो इसको हम लिख लेते हैं। आप याद रख लीजिए अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें बाद अगर नंबर जैसे 1 आ, इसमें तो नहीं आया लेकिन अगर दूसरी कोई क्वेश्चन में अगर 1 से ज़्यादा होगा, जैसे अगर कोई 1.73 हुआ, जैसे कि अगर कोई नंबर आया 1.73, आप मान लीजिए कुछ भी मल्टीप्लाई किया 1.73 आया, तो इसको हम 1 लिखेंगे और फिर 0.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जैसे वैसे करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक 1 आ जाए। तो अभी ये हमको इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन के सिंपली हमको एक ही बार में मल्टीप्लाई करने पे आ गया, तो जो बाइनरी काउंटर पार्ट हुआ 1101.1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।